सो व्हाट्सअप गाइज, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ओला पार्टी के अंदर आप लोग इवेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो। आप लोग देखते हो कि बाहर पर जैसे कि काफ़ी इवेंट चलते होते हैं, इन्हें इवेंट को खेल के काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग भी चाहो तो खुद का इवेंट क्रिएट करके ओला पार्टी में खेल सकते हो, मतलब खुद का ही इवेंट जो आपका होगा। तो वो इवेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हो इस तरह का इवेंट, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मैं व्हाट्सएप नंबर दे के रखता था वो फाइनली अब बंद हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आपको डायरेक्टली जाके मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना है। आप लोग मुझे वहाँ पर DM कर सकते हो, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग मुझसे वहाँ पर पूछ के आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसमें इवेंट आपको कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको एक बात और बता दूँ कि ओला पार्टी की तीनों एजेंसी मेरे पास खुद की अवेलेबल है, तो आप लोग इधर उधर ट्राई मत किया करो। क्योंकि आपको अगर डायमंड्स का रिचार्ज कराना हो, लाइव चाहिए हो, डाटा सेंटर चाहिए हो, तो साइड में मेरा ओला पार्टी आईडी नंबर, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक और आईडी नंबर दे रखा है साइड में, तो आप लोग मुझे ओला पार्टी पे फॉलो करके भी आ सकते हो और या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM भी कर सकते हो। लो से लो प्राइज ही दूंगा इस तरह के इवेंट आप लोगों को, देख सकते हो। ये इवेंट होते हैं जिससे काफी लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट लेते हैं। अब इनके ओनर बनना चाहते हो आप लोग, जिस तरह इसका जो ओनर होता है वो ओला पार्टी ऑफिशियल होता है, बट अगर आप लोग खुद का भी इवेंट बनाना चाहते हो जिसके आप खुद ओनर बने और अच्छा खासा बेनिफिट और फायदा ले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद के चैट रूम में जाना होगा। जो आपका पार्टी रूम होता है ना, आप समझ रहे हो, आपको जाना है जो आपका पार्टी रूम होता है, आपको अपने पार्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपका पार्टी रूम होता है। फिर आप यहाँ पे प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे नीचे एक इवेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हो इवेंट के, तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग कोई भी फोटो बना सकते हो जो आपके इवेंट का जो पिक होगा फोटो, जिसके बाहर थंबनेल पे आप लोगों ने देखा होगा बाहर इवेंट में जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, आप एक यहाँ पे फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने इवेंट का नाम भी और यहाँ पे थीम भी बना सकते हो, इवेंट स्टार्ट यहाँ से कर सकते हो, एंड भी आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह डलेगी, ये कब इवेंट होगा और कब एंड होगा, आप यहाँ पे इसके रूल्स वगैरह लिख सकते हो और एड थीम, हाँ आप इसके रिवॉर्ड्स वगैरह कुछ भी हर चीज़ यहाँ पे अलाउ गेस्ट इवेंट, मतलब इसमें अलाउ गेस्ट कर सकते हो, अलाउ की किस किस को अलाउ करना है, ऑल अलाउ करना है, आप यहां से कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे क्रिएट कर देना है, यहां पे आपको यहां पे क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा, फिर ये आपका जो इवेंट होगा, आपका इवेंट बाहर जाके देखोगे तो आपका इवेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद इसमें सेम रिवॉर्ड्स ऐसा ही मिलेगा जैसे आप लोग इसमें देख सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी कि आप किस होस्ट को कितना इवेंट देना चाहोगे, कितना रिवॉर्ड्स देना चाहोगे, वो आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करेगा। क्योंकि आपका इवेंट होगा तो आप खुद उसके रूल्स लिखोगे, खुद बनाओगे, सब कुछ आप ही को बेनिफिट होगा, हर एक रूल्स इसका आप ही को चॉइस करना है, रिवॉर्ड्स वगैरह तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी और किसी की नहीं। बस इवेंट आप क्रिएट ऐसे करके खेल सकते हो। तो दिल से थैंक यू सो मच।